वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम अब 11th क्लास के एक और टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा प्रोविजन एंड रिजर्व। ये आपकी बुक के अंदर 16 चैप्टर है। प्रोविजन एंड रिजर्व्स, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन इज ए सेपरेट थिंग, रिजर्व इज ए सेपरेट थिंग। प्रोविजन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई लाइबिलिटी है, नॉन लाइबिलिटी है, लेकिन उसका हमें अमाउंट नहीं पता विद रीजनेबल एक्यूरेसी। यानी हमें ये तो पता है कि हमने पे करने पड़ेंगे, कितने पे करेंगे ये नहीं पता हमें, दैट इज प्रोविजन। आपको पता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा इस साल, आपकी जितनी भी इनकम है। आपको पता है कि इनकम सर्टेन नहीं है। आपने मान लो पहले 10 महीने अच्छा काम किया, लास्ट के 2 महीने में आके काम क्या हो गया, डाउन हो गया। अब काम डाउन हो तो इनकम भी डाउन, और इनकम डाउन हुआ तो टैक्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। अब हमें ये तो पता कि हमें टैक्स देना है, लायबिलिटी तो है हमारी, लेकिन उसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, तो उसके लिए क्या बनेगा, प्रोविजन। सेकंड एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसे आपको पता है कि अगर आपने किसी को क्रेडिट पर गुड्स सेल की हैं, क्योंकि गुड्स तो आपको सेल करनी पड़ेगी क्रेडिट पर, ये तो है नहीं कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन आपकी कैश पर ही होंगे। आपने किसी को उधार पर माल बेचा तो वो आपके बन गए डेटर्स। अब जितने भी डेटर्स हैं आपको पता कि उनमें से कुछ क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। डाउटफुल मतलब बैड हो जाएंगे जो, है ना। आपको ये तो पता कि कुछ ना कुछ बैड या डाउटफुल होंगे, लेकिन ये नहीं पता कितने होंगे। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, आपको पहले एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन का मतलब है आपको एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, आपको इतना फ्यूचर में थोड़ा लॉस हो सकता है, इसको हम बोलते हैं प्रोविजन। क्योंकि अगर प्रोविजन आप पहले बना लोगे तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बिल्कुल सही निकलेगा। अगर आप नहीं बनाओगे, अचानक से झटका लग गया तो दिक्कत हो सकती है। अगर आप पहले से ही तैयार है कि हमें तो भाई हमने 1,00,000 रुपये लेने, 1,00,000 में से 5,000 नहीं आएंगे, एक्चुअल में 95,000 आए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि 5,000 बैड हमने पहले ही सोच रखा था, वो बैड हो गए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम शुरू करते हैं प्रोविजन एंड रिजर्व। फर्स्ट टॉपिक में आपको प्रोविजन करवाऊंगा एंड नेक्स्ट वन में मैं आपको रिजर्व करवाऊंगा। तो आपने ध्यान से सुनना है प्रोविजन और रिजर्व में फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोविजन क्या होता है। द अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, यानी वो अमाउंट जो आपने रिटर्न ऑफ कर दिया। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है जिसको आपने खत्म कर दिया, जिसको आपने बैड ही मान लिया। जैसे डेप्रिसिएशन है, आपको पता है कि अब असेट्स लोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। असेट्स की वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। तो आप जो डेप्रिसिएशन क्रिएट कर रहे हो उसको हम क्या, किस नाम से बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। फिर कहता है नॉन लायबिलिटी और अननोन अमाउंट। अब लायबिलिटी तो क्या है, नॉन है, नॉन मतलब पता है आपको, लेकिन आपको उसका अमाउंट नहीं पता। जैसे आपने क्या किया, आपको पता कि एक आपने 1,00,000 रुपये की मशीनरी ली है, वो आपने 10 ईयर्स आपको फायदा देगी, 10 साल आपको वो फायदा देगी। तो 1,00,000 बटा में क्या कर दिया आपने, 10, हर साल डेप्रिसिएशन बन गया 10,000। अब ये भी हो सकता है कि वो मशीनरी चले ही 5 साल या 4 साल, और ये भी हो सकता है कि मशीनरी वो 12 साल चल जाए, 12 ईयर चल जाए। तो जो आपने डेप्रिसिएशन सोचा था ये तो था, ये तो निश्चित है कि डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन हमें उसकी अमाउंट सर्टेन नहीं थी। तो अगर आप प्रोविजन के बारे में लिख रहे हैं एग्जाम के अंदर, आपसे पूछ लेते कि व्हाट डू मीन बाय प्रोविजन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, व्हाट आर इट्स फीचर, तो आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखकर नॉन लायबिलिटी और अननोन अमाउंट, ब्लैक पेन से लिखें, इन्वर्टेड कॉमा में कवर कर दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आपका ये। उसके बाद फिर आप इसको लिखने शुरू करें। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल के अंदर पहला क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स। आपको पता है कि जैसे हम असेट्स लेते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। अब डेप्रिसिएशन हम एक प्रिडिक्शन के बेस पर लगाते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं डेप्रिसिएशन का,
है ना। अब मैं सके बच्चों सोच रहे होंगे कि सर आप कहते हो कि 1 लाख की मशीन है 10 साल चले। अब मैं तो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, मैं तो वो मान रहा हूँ बात, सच तो नहीं है। सच में तो वो 5 साल में भी ख़त्म हो जाए और मनमाने 15 साल भी चल जाए, तो प्रोविज़न हमें उसके खिलाफ क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, प्रोविज़न फॉर डेप्रिशन ऑफ असेट्स। सेकेंड पॉइंट है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। टैक्सेशन की भी वही बात है, आपको ये पता कि आपको कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इनकम कमाओगे तो, लेकिन कितना देना पड़ेगा ये तो पता लगेगा जब फुल ईयर आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट सिक्स मंथ ऑफ द ईयर आपका बहुत अच्छा काम चला हो और लास्ट 6 मंथ में काम ना चला हो। तो अगर आप सारा साल अच्छे के बेस पर टैक्स दे देंगे, मतलब एक टर्म होती है प्रीपेड टैक्स, प्रीपेड टैक्स मतलब जो आपने टैक्स पहले ही पे कर दिया, अगर आपने टैक्स अच्छी इनकम के बेस पर पे कर दिया ना, अगर आपको बाय चांस इनकम बाद में कम हो गई तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में आपको ये भी पता है कि आपको टैक्स पे करना है, लेकिन ये नहीं पता कितना पे करना, तो इसके लिए भी हम प्रोविज़न बना लेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है कि वही बात, अगर आपने डेटर्स हैं आपके, अगर आपने उनसे पैसे लेने हैं तो आप पहले क्या सोच रहे हो कि उनसे 5% बैड होंगे या 3% या 2% आपने प्रिडिक्शन कर लिया, भी इतने तो हमें चांस हैं कि इतने क्या होंगे, बैड होंगे। तो उसके लिए भी आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। एंड फोर्थ होता है हमारे पास प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। जैसे ही आपको मशीनरी लेते हैं तो ये तो है नहीं कि मशीनरी कोई रिपेयर ही नहीं मांगेगी। अगर हम सिंपल बात करें, अगर हम कार या बाइक भी लेते हैं तो भी उसकी हमें एनुअल रिपेयर या 6 मंथ के बाद रिपेयर या सर्विस करवानी पड़ती है। तो हम उसके लिए पहले क्या रख लेंगे, प्रोविज़न बना लेंगे, भाई हमें एक मशीन लिया है और हमें इसका 5,000 रुपये या 5,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ आपका इसका खर्चा होना, तो इसके लिए आप पहले ही क्या बना लोगे, प्रोविज़न बना लोगे। तो ये 4 टाइप के बन गए एग्जाम्पल, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। तो ये तो प्रोविज़न और इसके एग्जाम्पल। अब आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ प्रोविज़न। फीचर्स में मतलब प्रोविज़न की क्या विशेषताएं हैं, नंबर एक नॉन लाइबिलिटी। नॉन लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है कि लाइबिलिटी तो है ना, आपको पे तो करना ही पड़ेगा, आपका खर्चा तो होगा ही होगा। जैसे डेप्रिसिएशन है, लगेगा ही लगेगा, अगर मशीन यूज़ की है या नहीं भी की आपकी डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। जैसे कार है, कार बेशक हम यूज़ नहीं भी करते, अगर हमने नई कार ले आकर घर खड़ी कर दी और 3 महीने बाद हम बेचेंगे उसको तो उतने की नहीं बिकेगी, क्यों, टाइम तो गैप हो गया ना, बेशक यूज़ ना की हो, है ना। तो नॉन लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपको ये पता कि डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स तो होंगे ही होंगे, टैक्स तो पे करना ही करना पड़ेगा। तो नॉन लाइबिलिटी होता है और अननोन अमाउंट होता है। अननोन अमाउंट का मतलब क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपको अमाउंट पे कितना करना है। अननोन अमाउंट का मतलब ये है, यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर आपको नॉन लाइबिलिटी है और नॉन ही अमाउंट है, नॉन अमाउंट का मतलब आपको पता है अभी आपने 20,000 रुपये देने हैं तो वो प्रोविज़न नहीं कहलाएगा। आई रिपीट, अगर आपको ये भी पता है कि लाइबिलिटी है और ये भी पता है भी अमाउंट कितना है तो वो प्रोविज़न नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगी, आउटराइट लाइबिलिटी। मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी की 2 क्वालिटी बताई थी मैंने आपको, एक तो कौन सी कि एक तो इंटरनल टाइप्स और एक्सटर्नल। अगर आपको पता है कि आपने अमाउंट पे करना है और हम और विद रीजनेबल एक्यूरेसी पता है तो वो प्रोविज़न नहीं होगा, वो क्या होगा, लाइबिलिटी, ठीक है, आउटराइट लाइबिलिटी बोलेंगे उसको हम। और थर्ड पॉइंट क्या हमारे पास, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी प्रोविज़न है वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपको वो पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। एक चीज़ होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब तो होता है कि जो अगर हमें प्रॉफिट हो गया है तो हम उसमें से प्रॉफिट में से निकाल लेंगे, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस, आपको उसके लिए सेपरेट से प्रोविज़न बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास डेप्रिसिएशन है, हम मशीन चला रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लग रहा है,
अगर हम वाला उस फर्म में लॉस हो गया तो अभी डेप्रेशन तो लगेगा ही लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? डेप्रेशन तो लगेगा ही लगेगा। इस प्रकार टैक्स है, टैक्स के लिए प्रोविजन बना रहे हो आप। अगर भाई बात इनकम कम होगी तो टैक्स कम बन जाएगा, इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्स ज़्यादा बन जाएगा, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो ये मतलब क्या, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब कि आपको प्रॉफिट हो या ना, आपको प्रोविजन तो क्रिएट करना ही करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखनी है बात। ये था हमारे पास फीचर्स ऑफ प्रोविजन, 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आप कॉपी में नोट कर लेना। इसी के बेस पर आपका डिफरेंस भी बन जाएगा जब हम रिजर्व पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोविजन एंड रिजर्व एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, तो उसके अंदर हम स्टडी कर सकते हैं वो। अब आता है हमारे पास पर्पस ऑफ प्रोविजन। पर्पस ऑफ प्रोविजन के अंदर हम बताते हैं आपको कि आप प्रोविजन बनाते क्यों हैं। नीड भी बोल सकते हो आप इसको कि क्यों क्रिएट किया जाता है। इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हो आप इसको कि प्रोविजन क्यों बनाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम अपना सिर्फ इसलिए करता है कि वो अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सके। अगर आप एडिक्वेट प्रोविज़न बना रहे हैं रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ, तो जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने प्रोविज़न क्रिएट नहीं किया, प्रोविज़न का निर्माण नहीं किया, तो आपको जो प्रॉफिट आएगा उसके अंदर क्या हो सकती हैं, कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सोचें कि हमने डेटर्स के ऊपर प्रोविज़न नहीं बनाया, हमें सोचा कि 1 लाख के 1 लाख पूरे आएंगे, लेकिन कुछ हो गए बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स में से क्या एक्चुअल में डेटर्स है हमारे पास 95,000, तो कंडीशन क्या होगी, विंडो ड्रेसिंग होगी। विंडो ड्रेसिंग का मतलब हमारे पास डेटर्स से एक्चुअल पैसे तो मिले 95, लेकिन एक्चुअल वास्तव में हमने रिकॉर्ड कितने कर रखे थे बैलेंस शीट में, 1 लाख रुपए। तो इस प्रकार कुछ दिक्कत हो जाती है। उन दिक्कतों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, प्रोविज़न का निर्माण कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी झूठा दिखावा, कुछ भी विंडो ड्रेसिंग ना हो। सेकेंड पॉइंट हमारे पास टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजिशन मीन्स कंडीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब प्रोविजन से क्या होता है, तो प्रोविजन दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो आप दिखा दो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, या फिर आप क्या कर दो उस कंसर्न्ड असेट्स में से माइनस कर दो, जो भी आपके असेट्स हैं, जैसे डेटर्स है डेटर में से माइनस करके दिखा दो, है ना। और जैसे या फिर क्या कर दो आप, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो कंसर्न असेट्स में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर आप प्रोविजन नहीं लगाओगे तो आपकी जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज की कंडीशन है, जो आपकी बैलेंस शीट की कंडीशंस हैं, वो सही नहीं आएंगी, क्योंकि उसके अंदर से कुछ ना कुछ आपने ओवरराइट कर रखा है। ओवरराइट मतलब ज़्यादा दिखा रखा है। तो अगर आप सही फाइनेंशियल पोजिशन यानी असेट्स एंड लाइबिलिटीज सही कंडीशन में दिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस अपना प्रोविजन का निर्माण करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास टू प्रोवाइड फॉर नॉन लॉसेस इन फ्यूचर। नॉन लॉसेस का मतलब है जिसके बारे में आपको पता है, जैसे डेप्रिसिएशन है, टैक्सेशन है, उनके बारे में पता है ना आपको, उनके बारे में आपने पहले ही अनुमान लगा लिया। और ये अच्छी बात होती है कि अगर आप किसी भी बीमारी के लिए या किसी भी लॉस के लिए पहले से ही तैयार रहें, क्योंकि अगर आप अचानक परेशानी आ जाए किसी फर्म के ऊपर, किसी अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो आसानी से अगर कोई बीमारी एकदम आ जाए तो उसके लिए तैयार होना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पहले अपने तैयार कर रखें, आपके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े, अगर मान लो बाई चांस कोई ना कोई बीमारी हो गई, बुखार हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप क्या करोगे, उस जो आपने पैसा लगा रखा है उसमें से पैसे निकाल कर आप दे आओगे, है ना। क्योंकि एक कहावत भी है, बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मतलब होता है बुरे के लिए हमेशा तैयार हो, कभी भी हो सकता है। आप चल रहे हैं, मतलब पीछे से आगे किसी ने टक्कर मार दिया, आप गिर के चोट लग गई आपको, हालांकि आपकी कोई गलती भी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने प्रिकॉशंस बहुत अच्छी तरह रख रहे हैं, लेकिन उसकी गलती की वजह से आपको दिक्कत आ गई ना, तो आपको प्रोविज़न का निर्माण कर लेना चाहिए, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपको भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी न आए। और लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसिस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसिस का मतलब है कि जैसे एक्सपेंसिस हैं हमारे, एक्सपेंसिस मतलब खर्चा,
आप उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। भाई जैसे मान लो 1,00,000 रुपए की भाई मशीनरी है, 10 साल चलेगी, तो आपने खर्चे जो हुआ आपने उसको हर साल में क्या कर दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर आप ऐसा ना करते तो क्या हो सकता था, आप उसी साल 1,00,000 रुपए दिखाते और उस साल तो आपको क्या हो सकता था, मान लो लॉस भी हो सकता था, क्योंकि खर्चा 1,00,000 रुपए ज़्यादा है, 10,000 रुपए कम है, है ना। अगर आपने सिर्फ 10,000 दिखाएं तो आपको पता लगता है कि ठीक है आपके खर्चे नॉर्मल हैं। अगर वही आप 1,00,000 वाला खर्चा डेबिट में दिखा दोगे प्रॉफिट एंड लॉस की, तो उस समय क्या हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। तो अगर आप प्रोविज़न बना लेते हैं तो आप जो एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में सही एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको सही आप समझ सकते हैं, आपके अकाउंट्स जो बनेंगे बिल्कुल सही बनेंगे। तो ये मैंने आपको 4 टॉपिक करवाए प्रोविजंस के अंदर। पहला क्या था, मीनिंग, ये जो 2 पॉइंट्स मीनिंग के हैं, ये एग्जांपल्स हैं 4, और ये क्या है फीचर्स हैं, और ये क्या है पर्पज़ है। मैंने आपको चारों पॉइंट एक्सप्लेन करके दिखा दिए, पॉइंट्स के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, और पॉइंट्स को आप एक बार कॉपी पर नोट करके, और नेक्स्ट टॉपिक फिर हम करेंगे अब स्टडी रिजर्व।